इंडियन पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी में चीन के प्रभाव को शांत रखने के लिए भारत और अमेरिका लगातार कदम उठा रहे हैं। भारत चीन के खिलाफ आसियान देशों की लगातार मदद कर रहा, वहीं उसकी दादागिरी को कुचलने के लिए अमेरिका भी लगातार सैन्य अड्डे बना रहा। अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश आज आमने सामने हैं। अमेरिका चीन के हर एक दुश्मन देश का समर्थन कर रहा। हालांकि साउथ चाइना सी को लेकर चीन से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी काफी परेशान है। चीन की दखलअंदाजी और बढ़ती आक्रामकता ने सबको परेशान करके रखा है। बावजूद इसके चीन के प्रभाव के कारण कई देश शांत हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो चीन को काफी परेशान कर सकती है। फिलीपींस ने चीन की दादागिरी को ठेंगा दिखाते हुए अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए जमीन दे दी है। अमेरिका सैन्य अड्डों के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। चीन की कड़ी आपत्ति के बावजूद भी फिलीपींस सरकार ने सैन्य क्षेत्रों की पहचान की जहां अमेरिकी सैन्य कर्मियों को अनिश्चित काल तक रहने दिया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्निडन मार्कोस जूनियर ने दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 2014 के रक्षा समझौते के तहत 4 नए सैन्य अड्डों में अमेरिकी सैन्य कर्मियों को तैनात करने की अनुमति दी है। नई जगहों में सेंटा एना शहर में फिलीपीन नौ सैन्य अड्डा और लालो नॉर्दर्न कागयान प्रोविंस में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। बाकी दो अन्य सैन्य क्षेत्र नॉर्दर्न इजाबेला प्रोविंस और पश्चिमी प्रांत पलावन में बालाबाग द्वीप पर है। पलावन साउथ चाइना सी के करीब है, जो विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और चीन इस हिस्से पर अपना दावा करता है। खैर, आज चीन का हर एक पड़ोसी देश परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन हर एक क्षेत्र को अपना हिस्सा बताता है। और उसके इसी गलत दावे को लेकर भारत ने भी हाल ही में एक अपनी सबमरीन इंडोनेशिया भेजी थी। ये पहली बार था जब साउथ चाइना सी को लेकर चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विवाद के बीच भारत की कोई पनडुब्बी वहां पहुंची थी। अमेरिका, भारत, जापान आज सभी इसीलिए परेशान है क्योंकि चीन ने साउथ चाइना सी में एक तरफा कार्रवाई करते हुए कई आइलैंड बना लिए हैं और यहां अपनी सेना तैनात की है। साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। वहीं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं और यही वजह है कि इन देशों और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब सीधे तौर पर फिलीपींस का अमेरिका की मदद करना चीन के खिलाफ एक सही कदम है। हालांकि चीन इससे काफी बौखलाया है क्योंकि अब अमेरिका भी सीधे तौर पर उसके सिर पर आ जाएगा और वहीं ताइवान को भी इससे काफी बल मिलेगा। ताइवान पर भी चीन अपना दावा करता है। खैर, आप फिलीपींस के इस फैसले को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।